हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने IBPS RRB की एलिजिबिलिटी के बारे में बात की, एग्जाम डेट्स के बारे में बात की, सिलेबस के बारे में बात की। तो उसमें एक दो मिस्टेक्स थी जिसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, बेसिकली अपोलोजाइज फॉर दैट कि मैंने कुछ एक गलत इन्फॉर्मेशन दे थी, कह लीजिए कि हो गया, इट जस्ट हैपन। तो मैंने कुछ एक पार्ट उसका डिलीट ज़रूर कर दिया है वीडियो का, लेकिन उसकी जो करेक्शन है वो उसके रिगार्डिंग मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो गलतियाँ थी एलिजिबिलिटी के बारे में, बेसिकली 18 से लेके 30 इयर्स तक का एलिजिबिलिटी बनता है PO में, जबकि मैंने 18 to 28 बोला था। मैं इसको शायद असिस्टेंट से कन्फ्यूज़ कर गया, तो आज उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से कुछ एक लोगों ने अनसब्सक्राइब भी किया है, तो आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू। तो बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो ऑफिसर स्केल, पहली बात तो चार पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट, स्केल वन, स्केल टू और स्केल थ्री। जो स्केल वन है इसको बेसिकली PO बोल देते हैं लोग, RRB PO बोल देते हैं, और इसको RRB लोग क्लर्क बोलते हैं, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है पोस्ट का ऑफिसर स्केल वन और ऑफिस असिस्टेंट है। तो जो एलिजिबिलिटी है 18 इयर्स टू, ये पिछले साल की आपको दिखा रहे हैं, इस साल ये थोड़ी चेंज हो गई है, इस साल ऑब्वियसली आप एक साल आगे ले जाइए। 18 टू 28 इयर्स जो है वो असिस्टेंट की है, और 18 टू 30 इयर्स जो है ये स्केल वन की है। कल मैंने 28 इयर्स बोला था लेकिन वो गलत था, 30 इयर्स है। स्केल टू की 21 टू 32 इयर्स और स्केल थ्री की 21 टू 40 इयर्स। आज हम बेसिकली स्केल वन के बारे में ही बात करने वाले हैं। पहली बात तो कल जो गलती करी थी वो 18 टू 30 इयर्स है, 28 इयर्स नहीं है। और जो एग्जाम है IBPS RRB PO जो ऑफिसर स्केल वन का, नोटिफिकेशन अगले महीने के पहले हफ्ते में जुलाई 2017 में आने वाला है, 10 के दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और बात करें कि इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर को होगा, 9 से लेके 24 सितंबर के बीच बीच में। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला है। आपको पता ही होगा कि IBPS वाले जो हैं वो अपना एग्ज़ाम का एक कैलेंडर निकालते हैं, उस कैलेंडर में से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाला है। और मेंस का एग्जाम नवंबर में होगा और इसका रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का ये अक्टूबर में होगा। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है। तो जो कट ऑफ की जो बात कर रहे थे आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में कट ऑफ की बात कर रहे थे, ये 56-58 जो आप कट ऑफ बता रहे हैं ये आउट ऑफ 100 है, और ये कट ऑफ मेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को मिला के 80-20 का जो रेशियो होता है, 80-20 का वेटेड एवरेज लगाते हैं तो ये 100 का स्कोर बनता है। उसमें से ये 56 का आंध्रा में कट ऑफ गया था, 50 का अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से ये कट ऑफ गया था। पंजाब में हमारे यहाँ पे कट ऑफ आई थिंक 59 चला गया था, बहुत हाई कट ऑफ जाता है यहाँ पे, पंजाब की बात करें 59, या राजस्थान में कट ऑफ बहुत हाई जाता है 66। अब कह लें कि और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया था 62 मध्य प्रदेश 62, तो राजस्थान में अभी तक का सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिला है 66। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, और गुजरात का मुझे कट ऑफ देखना पड़ेगा बिकॉज गुजरात में कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। हाँ, गुजरात में जैसे कि एक्सपेक्टेड था 54 के तकरीबन कट ऑफ जाता है, एंड 50 के तकरीबन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट्स ही बहुत कम होते हैं। तो ये कुछ एक मिस्टेक्स मैंने करी थी, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज, राइट। तो अभी आने वाले कुछ एक हफ्ते में मैं प्लान कर रहा हूँ कि RRB के बारे में कुछ एक 5-6 वीडियोस हिंदी सेक्शन की वीडियोस लेकर आऊँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर इंग्लिश की वजह से हम फेल हो रहे हैं बार बार, एंड इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश पिछले एक साल से चल रही है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप स्टूडेंट्स को यही मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर इंग्लिश में बार बार फेल हो रहे हैं, इंग्लिश की वजह से आपका 1.5 साल 2 साल खराब हो चुका है, तो हिंदी ऑप्ट करें। हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन है तो हिंदी ऑप्ट कर लें। हिंदी की तैयारी करनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टूडेंट्स आराम से स्कोर करते हैं। इंग्लिश में जो सेक्शनल कट ऑफ 5-6 जाती है, हिंदी में वही 15 जाती है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करते हैं हिंदी में। आप 20-22 का स्कोर ले सकते हैं आसानी से, नहीं थोड़ी सी मेहनत करके आप हिंदी का कट ऑफ
क्लियर कर सकते हैं, और आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो हिंदी की वजह से, मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसमें आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहला टिप तो आपको ये दिया जा रहा है। दूसरा, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैंने जैसे IBPS PO का मेगा प्रिपरेशन सीरीज मैं चला रहा हूँ पिछले आई थिंक 13 दिनों से। 13 दिनों में मैं रोजाना 1 से 2 वीडियोस डालता हूँ कि इंग्लिश की और एक क्वांट की, रीजनिंग की भी आने वाले दिनों में शुरू करने वाला हूँ। इस सीरीज को फॉलो करें, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि GK डाइजेस्ट जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उस पर हम रेगुलरली काम कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को भी रेगुलरली फॉलो करें, डेली 5 मिनट 10 मिनट जरूर दें, और डेली टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के टिप्स क्या हो गए? हिंदी आप ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ शर्माने वाली या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदी ऑप्ट कर लें, इट्स ओके। सिर्फ 15-20 दिन ही खराब होंगे अगर आप हिंदी की तैयारी साथ में करते हैं। कुछ ज्यादा पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर उठा लें उसको पढ़ लें। आई थिंक आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, आपके हिंदी न्यूज़पेपर आपके घर में आ रहा होगा, कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लें। आपको थोड़ा सा हिंदी में कंफर्टेबल होना है, वही सिंपल RC वगैरह आती है, कुछ इतना डिफिकल्ट पेपर हिंदी का नहीं होता है जहां तक मैं बात कर रहा हूँ। एंड बाकी अगर GK वगैरह की बात करूँ तो GK डाइजेस्ट एप्लीकेशन तो आपके पास है ही, एंड IBPS PO का मेगा प्रिपरेशन सीरीज इसको भी आप फॉलो करेंगे। तो जो इसका स्टडी प्लान है, मैं इसका स्टडी प्लान फिलहाल बना रहा हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप कह लीजिए कि कल या परसों तक मैं इसका एक प्रॉपर स्टडी प्लान जो है वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ मैं वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की, इसको ख़त्म करते ही 15-20 मिनट बाद प्रॉफिट एंड लॉस का मैं एक सेशन करूंगा, एंड उसको ज़रूर देखें। कोशिश करें कि जो मैं क्विज प्रोवाइड करता हूँ वो भी लें, या आप जो चैप्टर मैं करवाता हूँ उसके कम से कम 60-70 क्वेश्चन आप सॉल्व करें एक दिन में 2 दिन में, और अपने डाउट्स मुझे भेजें। मैं आपके डाउट्स ये मत समझे कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सभी डाउट्स को चैप्टर वाइज आप कह लीजिए कि असेंबल कर रहा हूँ, अलग अलग इकट्ठे कर रहा हूँ कह लीजिए, सभी डाउट्स मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, और जब मुझे लगता है कि इसके 8-10 डाउट्स हो चुके हैं तो मैं उसकी एक सेशन अलग से बनाता हूँ, जैसे मैंने अभी अप्रोक्सीमेशन का बनाया था, एंड मे बी कल या परसों टाइम एंड वर्क का बनाऊंगा। तो डाउट्स जो है वो मेरे को जरूर भेजे, मेरी ईमेल आईडी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरी ईमेल आईडी है raman@bankexamstoday.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। अपने डाउट्स मुझे मुझे जरूर भेजिए, मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, और हो सके कि मैं आपका ईमेल पे ही रिप्लाई करूं। एंड जो कल थोड़ी गलती हो गई थी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्यूचर में ऐसी गलती कोई भी ना करूं। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड IBPS PO मेगा प्रिपरेशन सीरीज को फॉलो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।